हेलो हाय गाइस, हाउ आर यू। तो आप देख रहे हैं साजन काजल कॉस्मेटिक। तो गाइस, हम आपको बताते हैं आज कुछ नए टॉपिक्स के बारे में, और हमारे साथ सीखते रहिए, बने रहिए। और हाँ, अगर आप कॉस्मेटिक शॉप खोलने के सोच रहे हैं तो ज़रूर हमारे से मोटिवेशन लीजिए और दुकान खोलिए, ठीक है। अगर कोई समझ में नहीं आती है बात तो मैं नंबर आपको दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा और चलते हुए पट्टी पे भी लगा दूंगा, और मेरे से बात करिए और मैं आपको बताऊंगा नए नए आइडियाज दुकान खोलने के, ठीक है गाइस। तो हम आपको दिखाते हैं एक नया ब्रांड आज। तो गाइस, ये देख सकते हैं आप, ये गजरा वालों का गजरा आया हुआ है, और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो समथिंग ये 8 रुपये का पड़ता है और 30 रुपये की शेयर आउट होती है। देख सकते हैं आप कितना, 22 रुपये का। तो गाइस देख सकते हैं 20-22 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है इसमें, ठीक है, और काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो आप लोगों को अगर शॉप खोलने के बारे में सोच रहे हैं तो ज़रूर मिलिए हमारे से, कांटेक्ट करिए हमें, और हम आपको नए आइडिया देंगे और नए नए तरीके बताएंगे कि कॉस्मेटिक में कौन सा आइटम रखना चाहिए, कौन से आइटम पे कितना प्रॉफिट होगा। हमको आपको ये भी तो बताना पड़ेगा कि ये गजरा मतलब किसमें, किस फंक्शन में ये बिकता है। गाइस, ये ज़्यादातर अगर देखते हैं आप लोग करवा चौथ में और या पूजा में, ठीक है, अधिकतर हम तो हमारे हिसाब से तो हिंदू धर्म के अनुसार जो है इसको जब पूजा करने के लिए लेडीज जाती है तब अक्सर ज़्यादा यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पूरा देवी की तरह एकदम उनको तैयार होना पड़ता है, तो उसमें गजरा काफ़ी भूमिका निभाता है गाइस, ठीक है। और बहुत कुछ बहुत अच्छी जगह, जब लड़कियों की शादी होती है उसमें ये गजरा बिकता है, या कोई फंक्शन होता है या कोई पार्टी वगैरह, यही चीज़ें होती हैं उनमें बहुत बिकता है, या कोई मतलब पर्वी वगैरह है जैसे त्यौहार है उसमें लेडीज तैयार होती हैं और लगाती हैं। आजकल तो बहुत ही चल रहा, पहले के तो हम मान ही नहीं सकते, पहले पता नहीं चलता या नहीं चल रहा, पर इस समय तो ये बहुत ही चल रहा है। और गाइस, मेरा एक नया आइडिया मैंने इस पर निकाला है, सबसे बड़ा आइडिया ये है, इसको हम पता कैसे यूज कर सकते हैं, ये तो बालों में यूज होता ही ठीक है। अगर हम इसको चाहे तो इसको एक अच्छा सा झालर का लोकेशन दे देंगे, ठीक है, और गेट पे बढ़िया से झालर बना के एकदम यूज करते हैं, मस्त वाला आइडिया है भाई। कैसे मुझे अभी एकदम याद आया भाई साहब, एकदम मस्त लगेगा गेट पे भी, अगर इसको मैं जोड़ दूँ टुकड़े टुकड़े करके ये बना दूँ अगर इस टाइप में झालर, तो गैस बहुत अच्छी बन जाएगी और कम पैसों में। तो आप देख रहे हैं इसके महत्वपूर्ण फायदे। और गैस दूसरी बात ये है कि जैसे कि आपने कोई मंदिर उंदिर रखा उसमें सजाने के काम में भी बहुत बढ़िया लगेगा, ये बहुत अच्छा लगता है, ऐसे भी लगा मजा आएगा उसमें। हस्बैंड ले जाया कि वो ज़्यादातर अपनी वीडियो के लिए। गाइस, तो हम आपको बता दें, देखो इसमें लड़कियों का तो बहुत सारा फायदा है, इसके साथ साथ लड़कों का भी फायदा है यार, घर की रौनक बढ़ जाती है, सजावट में काम आ जाता है, मंदिरों में काम आ जाता है, बालों में काम आ जाता है, और काफ़ी सस्ता है, 8 रुपये का पीस पड़ता है, 20 रुपये का, 22 रुपये का, 30 रुपये का, 50 रुपये का, ये तो अपनी लोकेशन के अनुसार बेचते हैं, ठीक है। अगर इसे अभी तुम मुंबई में लेने पहुँच जाओ तो कम से कम 150 रुपये का मिलेगा एक पीस, लेकिन यहाँ पे 8 रुपये का, मैं 10 रुपये का दे देता हूँ। यहाँ भी हरिद्वार में जो है वो भी वहाँ पे भी मिलता है, ये जैसे द्वारापुर हुआ वहाँ भी 50-60 रुपये का बिकता है, मिलता है लेने जाओ। तो गाइस, आपने देखा कि गजरे के बारे में मैंने आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो गाइस, अगर आप कॉस्मेटिक शॉप खोलने की सोच रहे हैं या कॉस्मेटिक शॉप आपके पहले से एडवांस में है तो आप गजरे भी रख सकते हैं उस साथ। और मैं तो ये बोलूँगा कि लोकेशन के लिए इसको बाहर लगाइए एकदम मस्त करके, जितना अच्छा लोकेशन होगा आपका गेटअप जितना अच्छा होगा शॉप का उतना अच्छा शॉप रन करते हैं, ठीक है गाइस। तो बाकी हम अगर गाइस आपको बताएं तो कुछ नहीं, अब बताने को रह गया, गजरे के बारे में मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि मैं नहीं जाता, मैं नहीं चाहता हूं कि ज़्यादा आपका टाइम ख़राब हो और आपको कुछ ना मिले, तो फायदा क्या हमारे वीडियो बनाने से, बताओ तुम लोग। तो गाइस, इसी के साथ हम मिलते हैं बाद में, जय हिंद, वंदे मातरम।